हेलो व्यूअर्स यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स एक्सपोजर आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हमें एक्सपेंड एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन दो एक्सप्रेशन दिविया में उनको हमें एक्सपेंड और सिम्प्लीफाई करना है पहला है हमारे पास वाई माइनस टू पॉइंट थ्री टाइम्स नाइन एक्स माइनस थ्री वाई और पार्ट बी हमारे पास माइनस वन पॉइंट थ्री टाइम्स सिक्स टाइम पी प्लस क्यू माइनस थ्री टाइम्स पी माइनस टू टाइम्स पी माइनस थ्री क्यू तो ये दो एक्सप्रेशन है तो पहले हम अपनी पार्ट ए को सॉल्व करने जाते हैं सोल्यूशन लिखेंगे हम इसका तो पहले तो हम एज इट इज़ उतारेंगे इसको माइनस टू पॉइंट थ्री टाइम्स नाइन एक्स माइनस थ्री वाई तो अब ये क्या हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट वाई माइनस टू पॉइंट थ्री अब यानी कि हम दोनों टर्म्स को टू पॉइंट नेगेटिव टू पॉइंट थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे नाइन एक्स और ये माइनस ऑलरेडी है और यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा हमारे पास और टू अपॉन थ्री इंटू थ्री वाई तो अब ये क्या हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट थ्री वन 3 थ्री 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 तो ये क्या हो जाएगा टू इंटू थ्री सिक्स एक्स वाई माइनस सिक्स एक्स और प्लस थ्री से थ्री कैंसिल तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास टू वाई तो अब हम लाइक like टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं यानी दिस इंप्लाइज दैट वाई प्लस टू वाई माइनस सिक्स एक्स तो ये क्या हो जाएगा वाई प्लस टू वाई इज इट डिसम्पलाइज डैट थ्री वाई माइनस सिक्स एक्स तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पार्ट ए का अच्छा इसको हम नॉर्मली uh, हम जो होता है एल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं जो एक्स uh, जो होता है वो पहले आता है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई बोथ आंसर्स आर करेक्ट आप इस तरह लिख दें तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस तरह हो गया नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व अवर पार्ट बी इसका सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास पहले तो हम एज इट इज इसको लिखेंगे माइनस वन अपॉइन्ट थ्री ये हमारे करली ब्रैकेट स्टार हो रहे हैं सिक्स टाइम्स पी प्लस क्यू माइनस थ्री टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट पी माइनस टू टाइम्स पी माइनस थ्री क्यू और ये। तो जब हमें ब्रैकेट्स दिए होते हैं एक्सप्रेशन के अंदर तो हम सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस वन अपॉन थ्री इट इज रहेगा तो अब ये इनर ब्रैकेट है पहले हम इसको सॉल्व कर देंगे सिक्स इंटू पी सिक्स पी हो जाएगा प्लस सिक्स क्यू अच्छा अब ये माइनस थ्री इट इज रहेगा पी भी ऐसे रहेगा नेगेटिव टू से हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव माइनस प्लस माइनस टू इंटू पी टू पी माइनस इंटू माइनस प्लस टू थ्रीज आर सिक्स क्यू अब हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे उससे आउटर ये है यानी सबसे इनर ये था उससे आउटर ये है तो अब इसको एज इट इज पहले उतारेंगे माइनस वन अपॉन थ्री करली ब्रैकेट सिक्स पी प्लस सिक्स क्यू अब माइनस थ्री से हम इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस थ्री इंटू पी थ्री पी माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री टू जर सिक्स पी माइनस इंटू प्लस माइनस थ्री सिक्स आर एटीन क्यू तो ये अब हमारे पास सिर्फ अब कर ली ब्रैकेट गया है अब हम हर टर्म का जो अंदर जो है उसको नेगेटिव वन अपॉइंट थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव वन अपॉइंट थ्री इंटू सिक्स पी माइनस प्लस माइनस वन अपॉन थ्री इंटू सिक्स क्यू माइनस इंटू माइनस प्लस वन अपॉन थ्री इंटू थ्री पी माइनस इंटू प्लस माइनस वन अपॉन थ्री इंटू सिक्स पी और माइनस इंटू माइनस प्लस वन अपॉन थ्री इंटू एटीन क्यू तो अब ये क्या हो जाएगा थ्री वंदा थ्री थ्री टू हजार सिक्स और ये क्या हो जाएगा थ्री वंदा थ्री थ्री टू हजार सिक्स थ्री वंदा थ्री थ्री वंदा थ्री थ्री वंदा थ्री थ्री टू हजार सिक्स थ्री वन ज थ्री थ्री सिक्स जार एटीन तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचे टू वन जो टू दिस इम्प्लाइज दैट नेगेटिव टू पी और यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव टू वन ज टू क्यू और फिर यहाँ पर हो जाएगा थ्री सॉरी वन है तो ये सिंगल क्या जाएगा? P आ जाएगा प्लस पी आ जाएगा पी वन जो पी और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस टू पी और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस सिक्स क्यू तो अब हम p वाली टर्म्स को सबको देख लेते हैं कितनी p वाली टर्म्स हैं माइनस टू पी प्लस पी और माइनस टू पी तो माइनस टू पी और माइनस टू पी कितने हो गए हमारे पास माइनस फोर पी और उसमें से अगर हम पॉजिटिव p को कर दें तो वहां पास क्या हो जाएगा माइनस थ्री पी और टू नेगेटिव टू क्यू प्लस सिक्स क्यू तो सिक्स क्यू पॉजिटिव का है और माइनस टू क्यू नेगेटिव का है तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगी और हमारे पास पॉजिटिव का नंबर बड़ा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा सिक्स माइनस टू प्लस फोर क्यू ये हमारा आंसर हो जाएगा पार्ट बी का उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा थैंक यू वेरी मच